एक गांव में एक हरि नाम का किसान रहता था। वो बहुत ही मेहनत से खेती बाड़ी करता था और अपने परिवार का गुजारा करता था। हरि के पास दो बच्चे थे, कमल और रानी। कमल हरि के पहली बीवी का बच्चा था और उसके गुजर जाने के बाद हरि ने सुमन से शादी कर ली। सुमन अपनी बेटी रानी से बहुत ही प्रेम करती थी और कमल को देखकर वो बहुत ही जलती थी। फिर एक दिन जब कमल और रानी साथ में बैठकर खाना खा रहे थे, तभी वहाँ पर सुमन आती है और वो कमल को खाना खाते देख उससे बोलती है, खा ले खा ले, तू कभी का खाना ही कहाँ खाया है? तुझे तो कोई खाने के सिवा और काम आता नहीं है, जब देखो तब दिन भर खाता ही रहता है। रानी बेटा, तुम खाना नहीं खाती हो क्या कि इतनी दुबली पतली हो रही हो? थोड़ा और खाना लेकर खा लिया करो। सुमन कमल को डांट रही थी, तभी वहाँ पर हरि आता है। जैसे ही सुमन देखती है कि हरि आ रहा है, वो बोलती है, अरे कमल बेटा, तुम थोड़ा और खाना लेकर खा लिया करो, तुम कितने दुबले पतले हो रहे हो। अरे आप देख रहे हैं, मैं कमल को कितनी बार बोलती हूँ कि और खाना लेकर खा लिया करो, लेकिन ये है कि मेरी बात सुनता ही नहीं है। अरे कमल बेटा, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? नहीं पिताजी, मुझे भूख नहीं लगी थी इसलिए मैं खाना नहीं खा रहा था। कमल ये कभी नहीं चाहता था कि मेरी वजह से उसके माता पिता में झगड़ा हो, इसलिए वो अपने पिता को ये सब बात नहीं बताता था। कमल जानता था कि अगर मैं इस घर में रहा तो एक न एक दिन जरूर झगड़ा होगा, इसलिए वो ये घर छोड़ने के लिए सोचता है। ये सोचकर कमल घर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। कमल चलते चलते अपने घर से बहुत दूर चला जाता है। तभी कमल को एक पेड़ दिखाई देता है जिसका दरवाजा सोने का बना हुआ था। सोने के दरवाजे को देखकर कमल हैरान हो जाता है कि पेड़ में सोने का दरवाजा कहाँ से आ गया। उस सोने के दरवाजे की रखवाली एक चुड़ैल कर रही थी। तभी कमल की नज़र उस चुड़ैल पर जाती है। जैसे ही कमल देखता है कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल बैठी हुई है, वो झट से उस दरवाजे के अंदर घुस जाता है। चुड़ैल की नज़र कमल पर नहीं पड़ती है, जिससे चुड़ैल कमल को नहीं देख पाती है। तभी चुड़ैल बोलती है, अरे मैं कब का इंतजार कर रही हूँ, फिर भी अभी तक मुझे एक भी इंसान नहीं मिला है। लगता है आज मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। चलो अब मैं कल आऊंगी, क्या पता मुझे कल कोई इंसान मिल जाए। फिर वो चुड़ैल उस पेड़ के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर वो पेड़ उड़ते हुए एक सोने की दुनिया में चला जाता है। वहाँ पर हर तरफ सोना ही सोना था। वहाँ पर हर तरफ सोना और हीरे ही बिखरे हुए थे। फिर चुड़ैल पेड़ पर से चली जाती है। जैसे ही चुड़ैल पेड़ पर से जाती है, कमल दरवाजे में से बाहर आता है। इतने सारे सोने और हीरे को देखकर कमल हैरान हो जाता है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अरे इतने ढेर सारे सोने और हीरे, लगता है चुड़ैल बहुत अमीर है। अगर मैं इसमें से कुछ हीरे और सोने ले लूँगा तो चुड़ैल को पता भी नहीं चलेगा, मैं भी उसकी तरह माला माल बन जाऊँगा। ये सोचकर कमल कुछ हीरे और सोना लेकर उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर चुड़ैल आती है। अरे यहाँ पर तो इंसानों की महक आ रही है, लगता है यहाँ पर कोई इंसान आया था। तभी चुड़ैल की नज़र सोने पर जाती है और वो सोचती है कि मेरा सोना कुछ कम लग रहा है, यहाँ पर कोई इंसान आया था। लगता है यहाँ पर जरूर कोई इंसान आया था, वो मेरे सोने को चुरा कर ले गया है। फिर चुड़ैल यहाँ वहाँ देखती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता है। फिर थोड़ी देर बाद चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और फिर से अपने पुराने जगह पर आ जाती है। फिर कमल सोने और हीरे के साथ अपने घर आता है। कमल को इतने सोने और हीरे के साथ आता हुआ देखकर उसकी माँ बोलती है, अरे कमल, तू इतने हीरे और सोने कहाँ से लाया है? जल्दी बता, तू कहाँ से लाया है? कहीं तू चोरी करके तो नहीं लाया है? अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर कमल डर जाता है और वो अपनी माँ से बोलता है, नहीं माँ, मैं चोरी करके नहीं लाया हूँ। जब मैं जंगल में जा रहा था तब मुझे एक सोने का दरवाजा दिखाई दिया।
जिसकी रखवाली एक चुड़ैल कर रही थी। मैं उससे नजर बचाकर उस दरवाजे के अंदर चला गया। फिर वो पेड़ उड़ता हुआ एक सोने की दुनिया में चला गया। वहाँ पर हर तरफ सोने ही सोने थे। मैं वहाँ से थोड़ा सा सोना लेकर यहाँ पर आया हूँ। ये सुनकर कमल की माँ को लालच आ जाता है और वो बोलती है, अरे कमल तू तो पागल है, तुझे चाहिए था कि पूरा सोना उठाकर ले आऊँ। अगर मैं होती तो मैं पूरा सोना उठाकर ले आती, जिससे हम लोग माला माल हो जाते। मैं एक काम करती हूँ, अगली सुबह मैं ही उस दरवाजे के पास जाऊंगी और वहाँ से पूरा सोना लेकर आऊंगी। फिर अगले दिन सुबह होने पर कमल की माँ उस दरवाजे के पास जाती है। सुमन उस सोने के दरवाजे के पास पहुँच जाती है और चुड़ैल से नजर बचाकर उस दरवाजे के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब चुड़ैल को कोई शिकार नहीं मिलता है तो वो फिर से उस सोने की दुनिया में चली जाती है। फिर जैसे ही चुड़ैल वहाँ से जाती है, सुमन फट से उस दरवाजे में से निकल जाती है। इतने सारे सोने और हीरे को देखकर सुमन बहुत ही खुश होती है। इतने सारे सोने और हीरे, अब तो मैं इस गांव की सबसे अमीर बन जाऊंगी। वो मूर्ख कमल तो सिर्फ यहाँ से थोड़ा सा ही सोना और हीरा लेकर गया था, मैं पूरा का पूरा ही लेकर चली जाऊंगी। इतना बोलकर सुमन ढेर सारे हीरे और सोने को लेकर उस पेड़ के अंदर चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर चुड़ैल आती है और चुड़ैल को इंसानी गंध मिल जाती है। लगता है आज भी कोई यहाँ पर आया है, वो मेरे हीरे और सोने को चुरा कर ले जा रहा है। फिर चुड़ैल यहाँ वहाँ देखती है लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता है। चुड़ैल थक हार कर थोड़ी देर बाद वहाँ से चली जाती है और फिर से अपने पुराने जगह पर आ जाती है। फिर सुमन उस दरवाजे से निकलती है और चुड़ैल से नजर बचाकर भागने लगती है। तभी चुड़ैल की नज़र सुमन पर जाती है और चुड़ैल सुमन को देख लेती है। इंसान, वो मेरा सोना चुरा कर ले जा रही है। अच्छा तो तुम ही हो जो मेरे हीरे और सोने को चुरा रही थी। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरे सोने की दुनिया से सोना और हीरा चुराया है। इतना बोलकर चुड़ैल सुमन का पीछा करने लगती है। जैसे ही सुमन देखती है कि चुड़ैल मेरे पास आ रही है, वे सारा हीरा और सोना वहीं पर रख कर भागने लगती है और चुड़ैल उसका पीछा करने लगती है। फिर सुमन किसी तरह से उस चुड़ैल से अपना पीछा छुड़ा लेती है। फिर चुड़ैल उस पेड़ को लेकर अपने देश चली जाती है। फिर चुड़ैल दोबारा कभी भी नहीं आती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोरी करना एक पाप होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल हिंदी टेल्स गुरुजी को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए।